हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी ड्रेस के मैचिंग का मुकुट बनाएंगे। इस मुकुट में मैंने अपनी ड्रेस की तरह शुगर बीट्स, स्टोन चैन, स्टोन जरी या स्प्रिंग को यूज़ किया है मैंने। और ऊपर की तरफ मैंने इसमें एक मोरपंख लगाया है। इस तरह से पीछे से बांध के हम अपने कान्हा जी को पहनाएंगे। चलो हम अब इस तरह का मुकुट बनाना शुरू करते हैं। ये मुकुट बनाना शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो हम इस मुकुट को बनाना शुरू करते हैं। ये मुकुट बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक पेपर का पीस लेती हूँ। ये पीस मैंने 13 सेमी चौड़ाई का और 8 सेमी इसको लंबाई का लिया है। इस पेपर को मैं हाफ फोल्ड कर लेती हूँ। हाफ फोल्ड करने के बाद लगभग इसके ऊपर मैं 3 सेमी के ऊपर निशान लगाती हूँ। मैं 3 सेमी के ऊपर पेंसिल से निशान लगा लेती हूँ। मैं और लगभग ऊपर की तरफ मैं इसमें लगभग 5 सेमी के ऊपर निशान लगाती हूँ। पांच का हम लगभग 6 सेमी तक कर लेंगे, तो 5 सेमी तक मैंने निशान लगाया है। अब आगे की तरफ आधा सेमी के ऊपर एक निशान लगा के इसे इस तरह से राउंड कर देंगे जहाँ पे हमने निशान लगाया, तो आगे का हमारा ये कट बन जाता है हमारे मुकुट का। इसके बाद हम एक रो डिजाइन की बना लेते हैं ये हमारी। और जब हमने ऊपर की तरफ जो लाइन लगाई है उसको लगभग लगभग इसको ऊपर से 4 सेमी के लगभग, 3.5-4 सेमी के लगभग एक लाइन और लगाती हूँ मैं। और यहाँ से इधर से मैं इसको लेती हूँ 1.5 सेमी तक और इसको इस तरह से राउंड करते हुए एक पत्ती की शेप बना देती हूँ। थोड़ा ऊपर चला जाएगा तो पत्ती की शेप बन जाती है। और यहाँ से हम अपनी डिज़ाइन को इस तरह से करते हुए ये हमारी डिज़ाइन बन गई। और आगे की तरफ हम इसे सीधी पट्टी में वो काट देंगे हल्का सा। उसको हम कट कर लेते हैं। हल्का से हमारी लंबाई में हल्का सा ऊंचा चला जाता है, क्योंकि नीचे से हम आधे इंच की कटिंग करते हैं तो आधा इंच हमारा ऊपर बढ़ जाता है। हमारी ये मुकुट की डिज़ाइन बन जाती है। अब इस डिज़ाइन को हम अपनी टैट्रोन पे कट कर लेंगे और उसके ऊपर हमारी ड्रेस के साथ का कपड़ा जो हमने अपनी ड्रेस में लगाया था इसी कलर का कपड़ा इसके ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। हम इसे टैट्रोन पे भी बना सकते हैं और या कपड़ा लगा के बना सकते हैं। तो मैं इस पर कपड़ा लगा के बना रही हूँ, तो आप सिंपल टैट्रोन पे भी इसे बना सकते हैं। तो मैं कपड़ा पेस्ट करके ले आती हूँ। मैंने इसे अपनी टैट्रोन को काट के उसके ऊपर कपड़ा पेस्ट कर लिया। अब इसके नीचे की तरफ हम एक रो जो हमारी ये नीचे की तरफ है यहाँ पे हम फैब्रिक ग्लू लगाते हैं। लगभग 1 सेमी के करीब का हिस्सा हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा पीछे जाता है। इसे चाहे तो आप सुई धागे से भी लगा सकते हैं। जो हमने अपनी ड्रेस में शुगर बीट यूज़ किए थे, तो मैं वाइट कलर के शुगर बीट लेती हूँ, उनकी एक रो लगाऊंगी यहाँ पे नीचे की तरफ। जिस तरह की हमारी शेप है उसी शेप में हम एक रो लगा देते हैं। से हमारी एक रो लग गई है। इसके बाद हम अपनी ड्रेस के अंदर जो हमने राउंड शेप के वाइट कलर के स्टोन यूज़ किए थे, अब उसकी एक रो लगाते हैं हम इसके चारों तरफ, इसके ऊपर की तरफ। Thank you.
अब इसके ऊपर वापस से हम एक रो शुगर बीट की। अब इसके बाद हम दो ही गोल्डन कलर के टीयर शेप मोती लेते हैं। इन टीयर शेप मोती को हम जो हमारे राउंड है यहाँ पे एक इधर लगा इधर लगा दें। और इसके साइड में थोड़ी सा गैप छोड़ेंगे क्या क्योंकि हमको वहाँ पे गुलीन लगानी रहती है, तो हल्का सा इसके दोनों तरफ गैप छोड़ दूंगी मैं। अब हम इस तरह की गुलीन लेते हैं जो मैंने अपनी ड्रेस में लगाई थी, इसके मैं दो पीस काट लेती हूँ। अपने सुई धागा लेते हैं जो हमारा स्टोन है उसके कोने के ऊपर आगे की तरफ अपनी सुई को डालते हैं और इसमें ये गुलीन को पिरो लेते हैं। इस स्टोन के राउंड करते हैं, हम इसे अटैच कर देते हैं। इस तरह हमारा एक पीस लग गया, इसी तरह हम दूसरे पीस पे भी लगा देते हैं। हमारा ये लग जाता है। अब इसके ऊपर वापस से हम शुगर बीट की एक रो लगाएंगे। शुगर बीट की रो लगाएंगे जो हम तीसरे समय एक रोड लगाएंगे। इसलिए हमारे दोनों तरफ ये पत्ती की शेप बन जाती है। अब इसके ऊपर वापस से हम एक रो स्टोन की लगाएंगे और स्टोन की लगाने के बाद वापस से एक रो हम शुगर बीट की लगाएंगे, तो ये दोनों रो में कंप्लीट करके ले आते हैं। इस तरह हमारी ये मैंने दोनों रो लगा ली। अब जो हमारे सेंटर वाले हिस्सा है इस हिस्से से लगभग हम इस तरह से एक डिज़ाइन ट्रेस कर लेते हैं, ये राउंड ही आएगा हमारा। इसी तरह फिर यहाँ से कर लेते हैं, ये इधर से आएगा, इसके यहाँ से तीनों इधर से आएंगे। हम अपनी ड्रेस में जो हमने रेड कलर के स्टोन लगाए थे वो तीन स्टोन ले लेती हूँ मैं और इनके राउंड में बीच में लगा देती हूँ। उन तीनों के चारों तरफ मैं स्टोन चेन लगा के इसे पूरा कर लेती हूँ। इस तरह से मैं स्टोन चेन लगाती हूँ। पहले हम सेंटर वाला लगाएंगे जो हमारे बीच में नोक है वहाँ से हम इसे लगाना शुरू करते हैं, तो मैं इसे लगाती हूँ। पहले ऊपर से लगाती हूँ मैं स्टोन चेन को, राउंड में करते हुए इसे लगाती हूँ। इसी तरह मैं अपने दोनों पीस पे भी लगा लेती हूँ। मैंने स्टोन चेन लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है। अब इस स्टोन चैन के चारों तरफ हम वापस से शुगर बीड लगाते हैं, तो मैं इनके चारों तरफ शुगर बीड लगा के इसे कंप्लीट करती हूँ।
तरह हमने इसे लगा लिया। अब इसे हम ड्राई होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि इसके बाहर की तरफ हम वापस से गुलिन की एक रो लगाएंगे पूरे, तो ये ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हम सुई धागे से लगाएंगे। इस तरह हमारा ये ड्राई हो गया है। अब ड्राई होने के बाद हम वापस से अपने गुलिन की एक रो लेती हूँ, मैं एक पीस ले लेती हूँ उसका। वैसे सुई धागे से मैं सभी जगह लगाऊंगी, तो मैं इसे इस वाले कोने से शुरू करती हूँ। जिस तरह अपने ड्रेस में हमने डोरी लगाई थी, उसी तरह से गुलिन लगाऊंगी मैं। थोड़ी थोड़ी दूर पे इसमें छोटी छोटी टेप भर के इसे मैं इस पर इस तरह चारों तरफ लगाते हुए मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। सभी जगह मैंने गुलिन लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है। जो हमारे एक्स्ट्रा हिस्सा इसे हम कट कर लेते हैं। ऊपर की तरफ से हल्का हल्का सा हम छोड़ लेंगे, क्योंकि जैसे हमने अपनी ड्रेस के अंदर शुगर बीट लगाए थे, वैसे हम यहाँ पे भी लगाएंगे। इस समय से कट कर लेते हैं। ये कट हो गया हमारा। हम इस पर जैसे हमने अपनी ड्रेस में लगाए थे, वैसे हम यहाँ पे भी लगाएंगे। तो मैं यहाँ से लगाना शुरू करती हूँ। उसमें शुरू में एक अपनी ड्रेस में हमने दो पिरोए थे, एक गोल्डन मोती पिरोऊंगी मैं। उसके बाद मैं इसमें दो रेड कलर, एक रेड कलर का पिरोऊंगी, एक वाइट कलर का, फिर एक रेड कलर का। फिर अपनी ड्रेस में पिरोऊंगी और फिर अपना जो गोल्डन मोती है उसमें से वापस से अपनी सुई को निकाल लेते हैं, जैसे हमने ड्रेस में निकाला था। थोड़ी दूर पे हम दोबारा अपना सुई को डाल लेते हैं और इसी तरह से हम पहले एक गोल्डन मोती डालते हैं, फिर उसके बाद एक हम रेड कलर का डालते हैं और एक वाइट डालेंगे, फिर एक रेड डालेंगे। डालने में को तीन ही रहते हैं, लेकिन अब किस बीच में हमने वाइट डाल दिया। इस तरह मैं ये बनाते हुए यहाँ से ले जाते हुए से पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। और जो हमारे बीच की एक गैप बचता है, इसके अंदर भी हम फैब्रिक ग्लू लगा के इसमें रेड कलर के अपने शुगर बीट में डाल के इसमें डाल देते हूँ। इस तरह से डालूँगी हम। चाहे तो रो में करके लगा दो, चाहे इस तरह से डाल दो उसको। एक सार कर देती हूँ बिल्कुल मैं, जहाँ गैप बचेगा वहाँ पे भी हम एक एक करके उठा के जमा देते हैं इसमें। हमारा ये मुकुट भी कंप्लीट हो जाएगा। ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। हमने सभी जगह अपने शुगर बीट लगा के अपने मुकुट को कंप्लीट कर लिया। मुकुट कंप्लीट होने के बाद हम एक मोर पंख लेते हैं और इस डिज़ाइन का हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर एक
इसके नाप के डिज़ाइन का हम काट लेते हैं। और मैंने एक ये डोरी का पीस लिया है जो हम इसके पीछे लगाएंगे। आप इसे वेलग्रो भी लगा सकते हैं इसमें। तो मैं इसमें ये सब फैब्रिक ग्लू से चिपका देती हूँ। मोरपंख हम इधर चिपकाएंगे इसके ऊपर ऐसे। इस तरह थोड़ा तिरछा करता हुआ हम इस तरह से लगा देते हैं। इस तरह हमारे मोरपंख लग गए यहाँ पे। अब सभी जगह हम इस पर फैब्रिक ग्लू लगा लेते हैं। जो हमने डोरी का पीस लिया है इस तरह हमारा चिपक गया। अब इसे हम ड्राई होने के लिए रख देते हैं। ड्राई होने के बाद हमारा मुकुट कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमारा मुकुट ड्राई होके कंप्लीट हो गया है। बनने के बाद हमारा मुकुट कुछ इस तरह से बनता है। अब इसे हम इस तरह से पीछे नॉट लगा के अपने कान्हा जी को हम पहना लेते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।